ये जरा एंट्री पॉइंट है करबला के लिए, वो बिल्कुल सामने हरम इमाम हुसैन है। अगर बहुत ज्यादा कमाल हो गया जी, जन्नत के वैसे ही मेवा और जन्नत का पानी लोगों को पसंद क्यों ना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। करबला की जमीन पर जो है पाकिस्तानी डिश हमने जो है लोगों में सर्व की है। 1500 दिनार किलो किलो क्या मतलब हजार का बनता है। यहाँ के लीमू तो देखें यार, जरा इतना बड़ा लीमू माल्टे की जितना है। ये इराकी लीमू जरा देखें, 1500 दिनार का किलो मिल रहा है। 4750 की है, 750 ऊपर ही है। ये 250 ही बनेगा, 230 या 200 पाकिस्तानी 230 रुपए बन रहे हैं पर केजी। मतलब कि पाकिस्तानी 230 रुपए के ये वाली किलो लीमू है जो सामने पड़े हुए हैं। जरा इसको चेक करते हैं खोल के, कि अंदर से कुछ रस वगैरह भी है इसके या बस दिखने में बड़े हैं। ये चेक करवाते हैं अभी। ये जरा बाकी इन्होंने सब्जियां रखी हुई, फ्रूट रखे हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम आए हैं इराक में करबला मंडी में। ये है सब्जी मंडी इराक की। यहाँ पर आपको बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट। शाजी व्लॉगिंग मैंने करनी है। चलो यार, ये बहुत प्यारे दोस्त हैं, पिंडी से आए हैं। चीज़ें हैं जो हमें पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती। हाँ, ये बात आपकी वाकई ठीक है। नहीं, पाकिस्तान में सारा कुछ है लेकिन छोटे हैं। क्या हिसाब है जी शाजी? क्या कहें, नीचे क्यों नहीं छोड़ा, क्यों से जाकर? चलो जी, लीमू तो मतलब कि जूसी है, भरा हुआ है। शाजी इसको करें ना, निचोड़े थोड़ा सा। क्या कहते हैं, कम है ज़्यादा? ठीक है, बेहतरीन। ठीक है यार, लीमू तो बेहतर है। चलें अभी जरा लीमू शीमू लेते हैं और जरा चिकन जमीन बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमने जो है वो सफ़ीद लगानी है। चलें जी, उससे तो हमारी बात नहीं बनी, उधर आ गई। नेक्स्ट स्टॉप पर चलते हैं, वो जरा महंगे दे रहा था तो उधर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या हिसाब है। ये जरा मंडी है, ये करबला की मंडी है, सब्जी मंडी। और ये जरा बिल्कुल साथ है जो इमाम हुसैन का जो हरम है उसके बिल्कुल साथ ही पड़ती है ये वाली मंडी। यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, जिस तरह पाकिस्तान में हिसाब होता है होल सेल मार्केट होती है, तो ये भी ज़रा होल सेल मार्केट ही है। यहाँ पे ज़रा सब्ज़ियाँ और फ्रूट वगैरह आपको ज़रा मुनासिब दाम में मिल जाती हैं। यहाँ से पता करते हैं इन्होंने क्या हिसाब लगाया हुआ। वैसे इसके जो लीमू हैं मुझे ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। कितने का? वही 1500 दिनार, लेकिन ये इसका साइज़ ज़रा बड़ा है, ये ज़रा अच्छा लग रहा है। इसको ये जी हमारे भाई हैं, इनको अरबी बड़ी अच्छी आती है, यही डील कर रहे हैं क्योंकि हमें तो नहीं आती डीलिंग। टोटल 1000 दिनार, 250-3500। ठीक है, नहीं नहीं ओके जी, डील हमारी डन हो गई है। शाहजी कितने किलो करवाए हैं? 10 किलो। 10 किलो जी, 10 किलो लीमू करवा लिए 1500 दिनार के हिसाब से, 1500 इराकी दिनार पर केजी। और ये वाले लीमू ज़रा अच्छे लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले देखे हैं। चलें जी, ये हमारे जो लीमू हैं ये हो गए हैं पैक। अभी ये हमारा लड़का जो है लीमू उठा के लेके जाएगा वापस। चलें जी, हमारे लीमू हो गए हैं पैक, अभी इसको लेके चलते हैं होटल वापस। यार आप लोग बाकी छोड़ें, यहाँ का केला देखें, यहाँ के केले का साइज कितना बड़ा है। इतना बड़ा केला तो हमारे पाकिस्तान में नहीं होता जितना इराक में। चलें जी, लीमू तो हो गए हैं डन, और अभी जरा बाकी फ्रूट्स वगैरह कुछ लेना है, और बाकी फ्रूट भी थोड़ा थोड़ा करके चलो रख लेते हैं, ताकि सबील के साथ जो दुआ होनी है उसमें दुआ में शामिल कर लिया जाएगा इन सब फ्रूट्स को भी, और ये भी ज़रा बांट देंगे हम लोग। तो अभी ज़रा थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स जो है ना करके सारे ले लेते हैं। यार ये यहाँ का ना ये आड़ू है, ये आड़ू की आप ज़रा शेप तो चेक करें, मतलब कि काफ़ी प्यारी सी शेप का आड़ू है यार। लगता है शायद ये ना बगैर, तो नहीं जी आड़ू नहीं है, ये कुछ और है। आड़ू के ऊपर तो इस तरह की कोई निशान नहीं होता, ये आड़ू नहीं कुछ और है शायद, पता नहीं क्या चीज़ है।
ये तो खुमानी है और अंजीर है और ये जरा खजूरें हैं और मज़े की बात ये आलू बुखारा है। हमारे यहाँ आलू बुखारा जो है वो ज़रा ब्लैक कलर में होता है, इनका आलू बुखारा जो है वो येलो कलर में है। और मैंने खा के चेक किया, इसका जो टेस्ट है ना सेम टू सेम आलू बुखारे वाला है, लेकिन बस ये है कि ज़रा कलर इसका येलो है ये आलू बुखारे। और एप्पल्स, ऑरेंज, अनार वगैरह। अरे जी, ये दो मेहनती लड़के जो हैं लीमू उठा के आ रहे हैं, 10 किलो है लेकिन दो लड़कों ने उठाए हैं, हालात चेक करें। चले जी, अभी आगे जरा ग्लास वगैरह लेते हैं डिस्पोजिबल। इधर दुकान पर आ गए हम डिस्पोजिबल ग्लास लेने के लिए, देखते हैं जरा क्या हिसाब किताब है। शाह जी कितने ग्लास इनफ होंगे? हज़ार एक ग्लास। चले जी, 1000 ग्लास तकरीबन ले रहे हैं डिस्पोजिबल, जिसमें जो है चलो जो सबील लगानी है उसमें हम उस ग्लास में डाल के जो है लोगों को देंगे। 1000 ग्लास शायद पूरे हो जाए। सर इनके पास डिस्पोजिबल है ना? बड़े डिस्पोजिबल शॉप है इनके पास। चलिए जी, ये ग्लास तो हमने निकाल लिए हैं बाहर, अब जरा इनसे रेट शेट जरा डन करते हैं। चले जी, 1000 गिलास मिले हैं हमें 8000 दिनार के। पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं तकरीबन 1500-2000 तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं 1000 गिलास का। यार अभी हम ना इलायची ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन्हें हमें पता नहीं है कि इलायची को अरबी में क्या कहते हैं। इलायची ढूंढ रहे हैं हम इनसे। ये इसके अंदर कोई 2-3 इलायचियाँ पड़ी थी, इसलिए उठा के दिखाइए कि हमें ये चाहिए। हेल 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 कहते हैं इसको, इलायची को। चलें जी, पैंतीस हजार दिनार की किलो है इलायची। चलो इलायची को ये तो पता लग गया कि अरबी में हिल कहते हैं, हिल हिल मतलब पहाड़। चले जी, हमारा जो सामान है वो हो चुका है कंप्लीट। ये ग्लास वगैरह है, ये लीमू है, ये चीनी का एक गट्टू है तकरीबन 30 किलो का है। ये इधर हमने जो शिकंजबीन बनानी है, ये यहाँ पे हलीम शलीम बनी हुई है। हलीम खैर पाकिस्तानी नहीं है, इनकी अपनी कोई दाल वाली है। और हमारा सामान जो है वो हो चुका है कंप्लीट। अभी हम जा रहे हैं होटल, और होटल में जाके जो है बनाते हैं शिकंजबीन, और हमने आज ही रात को जो है वो सबील लगा लेनी है। आप ट्रैफिक जरा चेक कर सकते हैं, रश चेक करें। ये जरा एंट्री पॉइंट है करबला के लिए, वो बिल्कुल सामने हरम इमाम हुसैन है अगर आपको नजर आ रहा हो तो। चलें जी, हमारा सामान तो हो गया पूरा, और अब ज़रा जो है वो प्लानिंग चल रही है कि एग्जीक्यूशन कैसे की जाए। कोई कहता है चीनी ज़्यादा है तो कोई कहता है लीमू ज़्यादा है, ये तो तभी पता चलेगा कि जब ये बन जाएगा। चलें जी, हमारी शिकंजबीन की जो तैयारी है वो अभी हम ये काट रहे हैं लीमू, और लीमू का साइज़ यार हमारे माल्टे जितना तो है ही। हमारे जैन शाह साहब अली हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, देखिए कितनी मेहनत करें सिविले हुसैन बनाने के लिए। चलें हम भी जो है अपना हिस्सा इसमें शामिल करते हैं। चले जी, इसका रस निकाल के और इसके अंदर डाल रहे हैं जग के अंदर, प्योर नेचुरल। शाह जी आराम से, चले जी, ये हमारी सिविल जो है ये शुरू हो गई है, और आवाम भी जो है यहाँ पे आने लगी है। हमारे सारे लड़के जो हैं ये राफे खड़ा हुआ है, और बाकी जो हमारे ग्रुप वाले हैं ये हमारे भाई हैं और ये चाचू हैं, ये सारे जो हैं मिलजुल के ये हमने पानी बनाया यहाँ पे। जो हमने पानी की सबील है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और अभी काफ़ी जो है यहाँ पे रश होने लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौला हुसैन के हरम के सामने हमने जो है सबील लगाई है, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना रश सिस्टम लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह।
ये चाचू भी जो है ये ग्लास वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों के अंदर कि जो जो इस व्हील से पानी पीना चाहते हैं वो पहले इनसे ग्लास लेंगे और फिर जो है इस व्हील से पानी पियेंगे। चलें जी, जो हमारी सबील थी वो हो चुकी है मुकम्मल। कैसी रही सबील जी? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। ले आगे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई है। एक नई डिश हमने लॉन्च की है जो आज यहाँ पाकिस्तान। बेशक यार, हमने यहाँ पे पाकिस्तानी माहौल बनाया हुआ था, शिकंज बीन बनाई हुई थी यहाँ पे और बहुत पसंद ये की है। क्यों डॉक्टर साहब, पसंद आई है लोगों को? बहुत ज्यादा कमाल हो गया जी। जन्नत की वैसी मेवा और जन्नत का पानी लोगों को पसंद क्यों ना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कर्बला की जमीन पर जो है पाकिस्तानी डिश हमने जो है लोगों में सर्व की है। जुहैर भाई कैसी रही सबीले हुसैन? अच्छी रही सबीले हुसैन जी? हम सब जुहैर खुश बहुत ज्यादा इसलिए बोल नहीं रहा। ये जी ग्लास। राफे भाई सबीले हुसैन कैसी रही? आमीन आमीन आमीन। बेशक हाँ जी व्यूअर्स, तो हमारी जो सबील है वो मुकम्मल हो गई है। अभी हम अपने जो है ये बर्तन हम अपना साथ उठा के अब घर की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपनी होटल की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है हमारा आज का व्लॉग जो है आपको लाजमी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना, इसको कमेंट करना और मेरे चैनल फॉर मलिक व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।